पिछले कुछ दिनों से हम लोग दिल्ली नगर निगम में हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में प्रेस वार्ता कर रहे थे और हमने ऐसी कई बड़ी बड़ी संपत्तियों के बारे में बताया जिनको सस्ते दामों पर बेचा जा रहा है और नगर की संपत्तियों की या कहें दिल्ली वालों की संपत्ति की लूट चल रही है। आज उत्तरी दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक का एजेंडा हमारे हाथ में है, 24 नवंबर का यानी कि आज का एजेंडा है और इसमें एजेंडा के ऊपर पार्ट सी में 29 नंबर आइटम लगा हुआ है, अप्रूवल ऑफ साइट ऑफ म्यूनिसिपल लैंड ऑफ राजन बाबू इंस्टीट्यूट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन एंड ट्यूबरकुलोसिस एट जीटीबी नगर फॉर रेजिडेंशियल ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी। दिल्ली सरकार और दिल्ली के लोग सालों तक डीडीए से जमीन मांगते हैं कि हमें अस्पताल बनाने के लिए जमीन मिल जाए। दिल्ली सरकार पिछले 7 साल से मोहल्ला क्लिनिक बनाने की जमीन एमसीडी से मांग रही थी, एमसीडी ने आज तक एक भी मोहल्ला क्लिनिक के लिए जमीन जो है दिल्ली सरकार को नहीं दी, एक भी। जहां दिल्ली के अंदर अस्पतालों के लिए जमीन हमेशा कम पाई जाती है, बड़ी मुश्किल से उपलब्ध होती है, वहीं पे नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन राजन बाबू इंस्टीट्यूट जो कि टीबी का एक बड़ा इंस्टीट्यूट बताया जाता है उसके अंदर करीब 6556 वर्ग स्क्वायर मीटर, 6556 वर्ग मीटर या स्क्वायर मीटर जमीन की नीलामी कर रहा है और इसको एक प्राइवेट बिल्डर को बेचकर पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है दिल्ली के अंदर जहां अस्पतालों की हमेशा जरूरत है, अस्पतालों के लिए जमीन की जरूरत है, यह खुल्लम खुल्ला चोरी और लूट का एक उदाहरण आपके सामने है कि अस्पताल तक की जमीन यह बेचने के लिए उतारू। हमने कुछ दिनों पहले आपको बताया था कि ये लोग बड़ी बड़ी ज़मीनें, प्राइम लोकेशन की कमर्शियल ज़मीनें जो हैं बेच रहे हैं। इस श्रृंखला के अंदर इनका जवाब आया था कि नहीं नहीं ये सब झूठ है, आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है। अब हम आपके सामने इसके कागज रख रहे हैं। नानीवाला बाग में प्लॉट A2/1 कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है आज़ादपुर के पास, इसके लिए इन्होंने मिनिमम बिडिंग प्राइस रखा 12,21,00,000 रुपए, यही है जी 12,21,00,000, 12,21,00,000 रुपए। और इसके लिए दो बिड आई हैं, एक 12,35,00,000, एक 12,38,00,000 और ये जमीन ये 12,38,00,000 रुपए में बेच रहे हैं। ये हैरानी की बात है, इतनी आसपास की बिड्स क्यों आ रही हैं, एक 12,38,00,000, एक 12,35,00,000 और 700 गज जमीन, करीब 481 स्क्वायर मीटर जमीन जो है प्राइम लोकेशन कमर्शियल की इतने सस्ते दामों में एमसीडी बेच रही है। इसके अलावा भी एक दो उदाहरण है, ये जमीन है D4 करमपुरा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स नियर मोती नगर, ये भी प्राइम लैंड है। ये जमीन जो है 250 करमपुरा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के अंदर पड़ती है, करीब 250 गज की है, इसका मिनिमम प्राइस इन्होंने रखा 6,36,30,000 रुपए और इसकी बिड क्या आई है 6,36,30,000 इनका प्राइस है, बिड आई है 6,36,90,000 और दूसरी बिड आई है 6,37,00,000। ये तो मतलब कि सपने में शायद खुद जो है कमिश्नर साहब ही प्रकट हो रहे हैं बिडर्स के। ये तो तभी हो सकता है कि खुद कमिश्नर जो हैं या आदेश गुप्ता सपने में आ रहे हैं इनके और बता रहे हैं कि 6,36,36,30,000 जिसका प्राइस है उसकी दो बिड आ रही हैं, दूसरी एक बिड है 6,36,90,000 रुपए और दूसरी बिड है 6,37,00,000, मात्र 10,000 का फर्क।
दो बिड और दूसरी को दे दिया, सीधा सीधा सेटिंग का खेल हो रहा है, सीधा सीधा चोरी हो रही है, बिडर्स को बिड्स बताई जा रही है, आपस में सेटिंग कर जमीनें औने पौने दामों में दिल्ली वालों की संपत्ति को बेचकर भाजपा भागने की तैयारी कर रही है। आप थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो यह भी पता चल जाएगा कि जो कंपनी है ये किस भाजपा के नेता की है, ये भी पता चल जाएगा, या किसका पैसा है इसके अंदर लगा हुआ है, ये भी आपको पता चल जाएगा। इस तरीके से बड़ी लूट और भी है, इस तरीके से एक बड़ी लूट को अंजाम दिया जा रहा है। 18 दुकानें बेचने की बात और कही जा रही है इस एजेंडा में, आज ही एजेंडे के अंदर ऐड किया गया है। और खास बात यह है कि इन 18 दुकानों का जो दाम था, जो बिड प्राइस लगाना था, उसको इन्होंने 20% कम किया है। पहले में मिनिमम रिजर्व प्राइस जो था एक दुकान का जैसे 98 लाख था, तो उसको कम करके अब 78 लाख कर दिया गया है। जहां 18 लाख था उसको अब 14 लाख कर दिया गया है। ये तो 1 करोड़ है, 1,84 लाख था जिसका दाम, उसको कम करके 1,47 लाख कर दिया है। 1,66 लाख की जो दुकान थी उसको कम करके 1,32 लाख कर दिया गया है। ये अरुणा आसिफ अली रोड पे डिलाइट सिनेमा के पास 18 म्यूनिसिपल शॉप्स सिचुएटेड एट आसफ अली रोड न्यू दिल्ली, इसको बेचा जा रहा है आरपी सेल नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में। मुझे लग रहा है नॉर्थ दिल्ली में सबसे ज़्यादा लूट चल रही है। रोज किसी संपत्ति को, कल हमने बताया था कि कैसे कम्युनिटी सेंटर्स को अब ये प्राइवेट लोगों को बेचने की तैयारी कर रहे हैं, जिम्स को ये प्राइवेट सेंटर्स को बेच रहे हैं, सीनियर सिटीजन रिक्रिएशन सेंटर्स को ये प्राइवेट लोगों को बेच रहे हैं। आज ये करोड़ों की जमीन को सेटिंग करके अपने लोगों को बेच रहे हैं और ये आपके सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पिछले 2 हफ्तों से हम प्रेस वार्ता कर रहे हैं और हम ये बता रहे हैं कि दिवाली के पहले से एमसीडी के कर्मचारियां ये कह रहे थे कि जहां दिवाली पर कर्मचारियों को बोनस मिला करता था, वहां पर इस बार एमसीडी के अंदर 2-2 महीने तक कर्मचारियों को तनख्वाह तक नहीं दी गई है। और हमने ये भी बताया था कि खास तौर पे डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ हड़ताल पे जाने की बात कह रहा है और काफ़ी दिनों से एडवांस में उन्होंने ये बात बोली थी। और मुझे आज ये बताया गया कि आज नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कुछ अस्पतालों के अंदर मरीज लेने भी बंद कर दिए क्योंकि डॉक्टर्स वहाँ पर स्ट्राइक पर हैं। और ऐसे समय में जब कोरोना का खतरा है, डेंगू बढ़ा हुआ है, इस तरीके की स्ट्राइक जो है नहीं होनी चाहिए थी। समय रहते इनको तनख्वाहें देनी चाहिए थी। ये बात हाईकोर्ट के आगे समक्ष रखी गई है कि दिल्ली सरकार को जो पैसा देना था वो सारा पैसा एमसीडी को एडवांस में दिया जा रहा है। एमसीडी जहां जहां से पैसा कमा सकती थी वहां से उन्होंने पैसा लेना बंद कर दिया। पार्किंग से पैसा आता था वो उन्होंने पार्किंग माफिया उनके हैं वहां से पैसा आना बंद हो गया। जहां 10 रुपए आ सकते थे वहां 5 रुपए आते हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमने दिखाया कि एमसीडी की जब आप पार्किंग साइट्स को दोबारा से टेंडर कर रहे थे तो 4 बड़ी साइट्स को उसमें से हटा लिया गया क्योंकि उनके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए की, वही आपने करी थी पीसी, जो आमदनी है उसको एमसीडी चाहती है कि वो कुछ अपने भाजपा के नेताओं को जो है उनके पास रहे। पूरी दिल्ली के अंदर आप घूम के देख लीजिए, सारे एमसीडी के होर्डिंग्स जितने हैं उस पर भाजपा के होर्डिंग लगे हुए हैं, भाजपा का प्रचार हो रहा है, 1 रुपया भाजपा एमसीडी को नहीं दे रही है। तो जहां करीब 5-6 हजार करोड़ रुपए का रेवेन्यू आ सकता था एमसीडी को, वहां पर वो मुफ्त की सेवा जो है अपने राजनीतिक दल की जा रही है, जो पूरी तरह से इलीगल है, इमोरल है, वो भी चल रहा है।
150 करोड़ का एमिशन टोल टैक्स वाला होता है। टोल टैक्स की कंपनी के अंदर पहले भी बहुत नुकसान हो रहा था और अभी भी टोल टैक्स की कंपनी को 150 करोड़ का रेमिटेंस दिया है उन्होंने। तो जहां जहां से आमदनी आनी चाहिए वहां वहां आमदनी करना नहीं चाह रहे, डॉक्टर्स को कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे रहे। डेंगू के केसेस कुछ दिनों से बढ़ रहे थे, अब ये सुनने में आ रहा है कि क्योंकि सर्दियां हो गई हैं, टेम्परेचर लो हो गया है, तो धीरे धीरे जो है मच्छर जो है पनपना जो है वो कम हो रहा है, तो ये एक राहत की बात है। मगर डेंगू की रोकथाम के लिए भी जो फॉगिंग की जानी चाहिए थी, जो मलेरिया के विभाग के लोगों को घर घर जाना चाहिए था वो इस बार नहीं गए। इनकी कोशिश थी कि दिल्ली के अंदर डेंगू फैलाकर सरकार को बदनाम किया जाए, क्योंकि जब डेंगू एक बार फैल जाएगा तो लोग अस्पताल जाएंगे, अस्पतालों के अंदर जगह नहीं मिलेगी तो दिल्ली सरकार बदनाम होगी। फिर ये लोग सोचना भूल जाते हैं कि भाई डेंगू क्यों फैला कर, मगर फिर बात जो है दिल्ली सरकार पर, ये इनकी पूरी की पूरी षड्यंत्र था जो मुझे लगता है इनका पूरा नहीं हुआ, अच्छी बात है। मगर इन्होंने डेंगू को फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, ये चाहते थे कि इस बार दिल्ली के अंदर डेंगू फैले। दिल्ली में टमाटर लगभग अब 90 रुपए किलो के आसपास पहुंच चुके हैं, जैसा कि पिछली बार जब प्याज के दाम बढ़े दिल्ली सरकार ने जगह जगह खुद के प्याज के स्टॉल लगाए, सस्ते में प्याज उपलब्ध कराया, क्या टमाटर के लिए भी ऐसा करेंगे? पर ये हमें पता करना पड़ेगा, लेकिन रेट 90 रुपए किलो हो चुके हैं आज, 150 जाएंगे। रेट तो सब चीजों के बढ़ गए इस सरकार में, उसमें एक वजह ट्रांसपोर्टेशन है और उसकी वजह पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी बनती है, सारी चीजों के दाम बढ़ गए हैं। अब 2014 के दाम अगर आप देखें, पेट्रोल के, डीजल के, दाल के, तेल के, दूध के, हर चीज के दाम कम से कम दुगने या तीन गुना हो चुके हैं 2014 से लेकर 2021 तक, जब से ये माननीय मोदी जी आए हैं तब से लेकर अब तक हर चीज के दाम बढ़ गए। मेरे पास एक व्हाट्सएप भी आया था, उसके अंदर मैं आपको दाम पढ़ के बताऊं, बड़ा अच्छा व्हाट्सएप था। दिल्ली सरकार से भी बात करेंगे, उनसे भी बात करेंगे, बड़ा अच्छा मेरे पास एक आया था, उसके अंदर सब चीजों के दाम लिखे हुए थे। छोड़ दें क्या? नहीं आ गया, मिल गया। स्टील 2014 में 3600 रुपये और अब चल रहा है 6500 रुपये। सीमेंट 2014 में 195 रुपये और अब 2021 में चल रहा है 410 रुपये। चीनी 2200 रुपये किलो थी, अब 50 रुपये किलो है। सरसों का तेल 80 रुपये लीटर था, अब करीब 200 रुपये लीटर है। प्लेटफॉर्म टिकट रेलवे स्टेशन पे 5 रुपये था, अब 50 रुपये है। कितना हो गया? 30 हो गया। चलो अब 50 से 30 हुआ, मात्र 6 गुना का फर्क हुआ। चलो ये तो बड़ा अच्छा हुआ। पेट्रोल 50 से पहुंचा 112, डीजल पहुंचा 60 से 100, एलपीजी पहुंचा 414 से 950, दाल 70 रुपये किलो से 190 रुपये किलो और दूध 30 रुपये लीटर से 56 रुपये लीटर। जागो भारत जागो। पेट्रोल की बात करिए, अभी केंद्र सरकार ने अपने जो रिजर्व स्टॉक होता है उसमें से 50 लाख बैरल रिलीज करने का फैसला लिया है, जिससे पेट्रोल के दाम उनका कहना है कि कुछ हद तक कम हो जाएंगे। दिल्ली सरकार भी क्या पेट्रोल की दिशा में कोई दिल्ली वासियों को राहत दे सकती है? देखिए हम तो बड़ी सीधी सी स्पष्ट सी बात कह रहे हैं, ये कभी बढ़ाते हैं कभी घटाते हैं, है ना? चुनाव जब दूर होते हैं तो बढ़ाना शुरू कर देते हैं, फिर चुनाव जैसे ही आते हैं तो घटा देते हैं, फिर जैसे ही चुनाव हो जाएंगे यूपी के, पंजाब के, उत्तराखंड के, फिर बढ़ाना शुरू कर देंगे। तो साल में 10 महीने आपको लूटते हैं, 2 महीने लूट में कमी कर देते हैं। हम इसका एक सीधा सा प्रपोजल लेके आए हैं, पेट्रोल को भी आप जीएसटी के दायरे में ले आए, जैसे जीएसटी के अंदर बराबर जितना स्टेट को मिल रहा है उतना सेंटर को मिल रहा है, ऐसे ही आप इसमें भी ले आए। ये बहस ही खत्म हो जाएगी, ये ज्यादा ले रहे हैं ये कम ले रहे हैं, इसको ले आना चाहिए। ये सिर्फ इसलिए नहीं ला रहे हैं क्योंकि इनकी नीयत में खोट है, चाहते हैं कि जैसे ही उत्तर प्रदेश के चुनाव हो
फिर से लूट जो है वो हम शुरू करेंगे। हम इस चीज़ के अभी भी साथ हैं, जीएसटी काउंसिल के अंदर इस प्रपोजल को ला के इसको पास करना चाहिए।